Welcome back, students, to part 3 of lecture 2, week 2. Students, हमने part 2, second में बात की flow control की. मैं आपको दिखा देता हूँ स्लाइड. यहाँ पे हमने कुछ requirements की बात की. अब मैं आपको graphical एक diagram दिखाऊंगा, इसमें flow control को discuss किया गया है. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ठीक है, फ्लो कंट्रोल को डिस्कस किया गया है. स्टैंडर्ड डिवाइस है, रिसीवर डिवाइस है. यहाँ से कुछ पैकेट्स को, कुछ डेटा को वो सेंड कर रहा है, ठीक है. और यहाँ पे अगर आप देखें, बफर फुल नॉट रेडी स्टॉप. यहाँ से इसने कुछ डेटा सेंड किया रिसीविंग एंड पे, जो उसकी मेमोरी है उसको हम बफर कह सकते हैं. रिमेंबर, जब आप यूट्यूब के चैनल को देख रहे होते हैं तो वहाँ पर एक स्टार्ट में एक वीडियो जब आप देख रहे होते हैं तो बफरिंग का वर्ड आ रहा होता है. तो वो एक्चुअली जो आपकी वर्क स्टेशन है उसके ऊपर जो मेमोरी है, वो जो डेटा वहाँ से डाउनलोड हो रहा होता है यूट्यूब सर्वर से, वो उसको पहले वो स्टोर कर रहा होता है, उसके बाद आपकी वीडियो को प्ले कर रहा होता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिसीवर जो डिवाइस है उसने इंफॉर्मेशन भेजी है सेंडर को, इसका जो बफर है वो फुल हो गया है, तो दैट सेंडर डिवाइस नीड टू स्टॉप. उसके बाद जब उसने जो सेंडर डेटा है उसको प्रोसेस कर लिया, उसके बाद आप देख सकते हैं रिसीवर जो है वो दोबारा सेंडर को इंफॉर्मेशन भेज रहा है, फ्लैग उसके लिए भेज रहा है, कंट्रोल इंफॉर्मेशन भेज रहा है कि सेगमेंट्स आर प्रोसेस, ठीक है, होना. तो सेंडर जो है वो दोबारा डेटा उसने सेंड कर स्टार्ट कर दिया है. अच्छा, हमारे पास जो फ्लो कंट्रोल के लिए जो मुख्तलिफ मैकेनिज्म है, वो एक तो बफरिंग है, विंडोइंग है और कंजेशन अवॉइडेंस है. हम इस लेक्चर में विंडोइंग को कवर करेंगे. आइडियली डेटा थ्रूपुट हैपन्स क्विकली एंड एफिशिएंटली, एंड एज यू कैन इमेजिन इट वुड बी पेनफुली स्लो इफ द ट्रांसमिटिंग मशीन हैड टू actually wait for an acknowledgement after sending each and every segment. The windowing concept, the quantity of data segments are measured in bytes that the transmitting machine is allowed to send without receiving an acknowledgement is called a window. Windows are used to control the amount of outstanding unacknowledged data segments. The size of the window controls how much information is transferred from one end to the other before an acknowledgement is required. While some protocols quantify information depending on the number of packets, TCP/IP measures it by counting the number of bytes. If a receiving host fails to receive all the bytes that it should acknowledge, the host can improve the communication session by decreasing the window size. Students, हमने flow control में बात की कि जो ये इसकी एक requirement है flow control mechanism की, जो सेंडर है जो इंफॉर्मेशन जो डेटा रिसीवर को भेजेगा तो रिसीवर उसको एक्नॉलेज करेगा. तो अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप हर डेटा यूनिट को, वेदर इट इज़ वन बाइट, टू बाइट्स, फोर बाइट्स, उसको वो एक्नॉलेज करे. तो इस तरीके से तो हमारी बैंडविड्थ जो है वो ज़ाया होगी. तो हम क्या करते हैं, हम एक नंबर रख देते हैं, ठीक है, विंडो साइज इसको बोलते हैं या इस कॉन्सेप्ट को विंडो बोलते हैं. हम एक साइज रख देते हैं कि भाई 4 बाइट्स के बाद हम एक्नॉलेजमेंट जो रिसीवर है वो एक्नॉलेज करेगा सेंडर को, 4 बाइट्स के बाद, 8 बाइट्स के बाद या 16 बाइट्स के बाद, वट एवर जितने भी हो सकते हैं. तो ये जो नंबर है, इतने नंबर ऑफ डेटा यूनिट्स रिसीव करने के बाद ही एक्नॉलेजमेंट भेजी जाएगी. हर डेटा यूनिट रिसीव करने के बाद उसको नहीं भेजेगा. दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर लेट्स सपोज सेंडर और रिसीवर ने थ्री वे हैंडशेक के जरिए पहले तो एग्रीमेंट कर लिया कि भाई 4 बाइट्स के बाद, या लेट्स सपोज उन्होंने एग्रीमेंट किया 64 बाइट्स के बाद एक्नॉलेजमेंट भेजी जाएगी, और ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन रिसीवर को लगा कि 64 बाइट्स इज़ अ बिग नंबर, तो ड्यू टू विच द सेशन द कम्युनिकेशन इज डिग्रेडेड, तो इस नंबर को डिक्रीज भी किया जा सकता है. बहरहाल इस कॉन्सेप्ट को जो है विंडो कहा जाता है. आगे जाके एक फिगर के ज़रिए मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास एक सेंडर डिवाइस है, एक रिसीवर डिवाइस है, सेंड 1 विथ विंडो साइज 1, ठीक है, रिसीव 1,
अच्छा यहाँ पे विंडो साइज 1 है, इट मींस के एक डेटा यूनिट के बाद, एक डेटा रिसीव होने के बाद, 1 byte व्हाटएवर यू कॉल इट, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट सेंड की जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला डेटा गया वहाँ से एक्नॉलेजमेंट आए, फिर दूसरा डेटा गया वहाँ से एक्नॉलेजमेंट। तो विंडो साइज 1 है। नीचे यार एक और एग्जाम्पल है जिसका विंडो साइज 3 है, इसका मतलब ये है कि 3 bytes के बाद जो है, या 3 data unit सेंड होने के बाद ही एक्नॉलेजमेंट सेंड की जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंड 1, सेंड 2, सेंड 3 और फिर उसके बाद एक्नॉलेजमेंट गई फॉर 4। तो ये कॉन्सेप्ट था विंडो का। एक्नॉलेजमेंट्स को पढ़ते हैं, ये भी फ्लो कंट्रोल में हमने पढ़ा। दिस इज ऑल्सो रिक्वायरमेंट, यू वुड यूज अ ब्रिज इन अ नेटवर्क टू रिड्यूस कोलिजन्स विद इन ब्रॉडकास्ट डोमेन्स एंड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कोलिजन डोमेन्स इन योर नेटवर्क। Doing this provides more bandwidth for users, and never forget that using hubs in your Ethernet network can contribute to congestions. Is always plan your network design carefully. Acknowledgements uses start में हमने बात की कि आप acknowledge करते हैं sender के data को, ताकि sender को realize हो जाए कि मेरा जो जो data send किया गया है वो successfully रिसीव हो गया है रिसीविंग एंड पे। रिलायबिलिटी के लिए, रिलायबल डेटा डिलीवरी इंश्योर्स द इंटेग्रिटी ऑफ ए स्ट्रीम ऑफ डेटा सेंड फ्रॉम वन मशीन टू द अदर थ्रू अ फुली फंक्शनल डेटा लिंक। इट गारंटीज दैट डेटा वॉन्ट बी डुप्लीकेटेड आर लॉस्ट। दिस इज अचीव्ड थ्रू समथिंग कॉल्ड पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट विद रीट्रांसमिशन, टेक्निक दैट रिक्वायर्स अ रिसीविंग मशीन टू कम्युनिकेट विद द ट्रांसमिटिंग सोर्स बाय सेंडिंग एन एक्नॉलेजमेंट मैसेजेस back to the sender when it receives data. The sender documents each segment measured in bytes, then sends and waits for this acknowledgement before sending the next segment. When a segment is sent, the transmitting machine starts a timer and will retransmit if it expires before it gets an acknowledgement back from the receiving end. स्टूडेंट्स, ये सारी बातें बड़ी इजी है, ठीक है। आप मतलब इसमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। एक्नॉलेजमेंट्स हमने बात की कि रिलायबिलिटी पर्पस के लिए यूज़ होती है। सेंडर जब भी कोई डेटा सेंड करेगा, रिसीवर उसको एक्नॉलेज करेगा। कोई डेटा लॉस्ट हो जाता है, नहीं मिलता रिसीवर को, तो भी वो उसको एक्नॉलेज करेगा कि मुझे फ़लां नंबर पैकेट जो है, फ़लां नंबर डेटा यूनिट जो है, वो दोबारा सेंड कर दे। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात की गई है कि जो सेंडर है वो टाइमर सेट कर देता है, ठीक है। फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स होते हैं, वो उसने सेट किए होते हैं कि अगर इतने फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स पे मुझे एक्नॉलेजमेंट रिसीवर की तरफ से नहीं आती, तो मैं दोबारा इस पैकेट को या इस डेटा यूनिट को सेंड करूँगा क्योंकि एक्नॉलेजमेंट मुझे नहीं आए। तो बेसिकली एक्नॉलेजमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट टू ओवरराइड द डेटा, टू ओवरकम द डेटा लॉस एंड डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। आगे एक स्लाइड पे आपको यही कॉन्सेप्ट जो है ग्राफिकली दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंडर है और रिसीवर है। इसने सेंड 1, सेंड 2, सेंड 3 और आगे एक्नॉलेजमेंट। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप बता सकते हैं इसका विंडो साइज क्या है? बिल्कुल, 3। एक्नॉलेजमेंट सेंड की गई है आफ्टर रिसीविंग द सेंडिंग द 3 data units। एक्नॉलेजमेंट 4, इट मीन्स के पहले 3 मुझे मिल गए हैं, आप 4 नंबर पैकेट या 4 नंबर data unit आप सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा 4 को सेंड किया, 5 को सेंड किया, 6 को सेंड किया, लेकिन 5 red line में दिखाया गया है कनेक्शन लॉस। यहाँ पे कनेक्शन लॉस हो गया और 5 नंबर नहीं मिला। तो अब यहाँ पे रिसीवर बजाय इसके कि वो उसको 7 की एक्नॉलेजमेंट सेंड करे, उसने क्या कर दिया, 5 की रिक्वेस्ट कर दी कि मुझे 5 दोबारा सेंड कर दो क्योंकि 5 नहीं मिला। तो 5 उसको दोबारा सेंड कर दिया जाता है और अल्टीमेटली वो उसको 7 की रिक्वेस्ट करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम नेटवर्क लेयर की बात करते हैं। नेटवर्क लेयर और लेयर 3 मैनेजेस डिवाइस एड्रेसिंग। आईपी एड्रेस की बात की जाती है यहाँ पे, ट्रैक्स द लोकेशन ऑफ डिवाइस ऑन द नेटवर्क। आईपी एड्रेसेस के जरिए मुख्तलिफ डिवाइसेस की लोकेशन को ट्रेस किया जाता है, ट्रैक किया जाता है कि कहाँ पे पड़ी हुई है, एंड डिटरमाइंस द बेस्ट वे टू मूव डेटा। अब आपको स्टूडेंट्स पता होगा कि जो सोर्स होता है, जो सेंडर होता है और जो रिसीवर होता है, उनके बीच में मुख्तलिफ पाथ्स हो सकते हैं, ठीक है। तो जो सबसे बेस्ट पाथ होगा
जिसके जो ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा, ऑप्टिमल होगा, उस पाथ को सेलेक्ट किया जाता है नेटवर्क लेयर के ऊपर। राउटर्स विच आर देयर थ्री डिवाइसेस आर स्पेसिफाइड एट दिस लेयर एंड प्रोवाइड द राउटिंग सर्विसेज विद एन एन इंटरनेटवर्क। राउटर्स की हमने स्टार्ट में बात की कि वो इस लेयर के ऊपर काम करते हैं। द टू टाइप्स ऑफ पैकेट्स यूज इन द नेटवर्क लेयर आर डेटा पैकेट्स, राउट अपडेट पैकेट्स। अच्छा, दो तरह के पैकेट्स की बात की जाती है, एक डेटा पैकेट्स है और दूसरा राउट अपडेट पैकेट्स है। डेटा पैकेट्स नाम से जाहिर है ये आपका एक्चुअल डेटा होता है जिसको आप सेंड कर रहे होते हैं। जो राउट अपडेट पैकेट्स होते हैं वो आपके रूट को जो मुख्तलिफ आपके डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं उसको उसके लिए ज़रूरी होते हैं। हियर इज़ हाउ दैट वर्क्स। फर्स्ट, व्हेन अ पैकेट इज़ रिसीव्ड ऑन अ राउटर इंटरफेस द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इज चेक। इफ द पैकेट इज इन डिस्टाइन फॉर द पर्टिकुलर रूट इट विल लुक अप द डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस इन द राउटिंग टेबल। वंस द राउटर चूजेज एन एग्जिट इंटरफेस द पैकेट विल बी सेंड टू दैट इंटरफेस टू बी फ्रेम्ड एंड सेंड आउट ऑन द लोकल नेटवर्क। इफ द राउटर कान फाइंड एन एंट्री फॉर द पैकेट्स डेस्टिनेशन द नेटवर्क द राउटिंग टेबल द राउटर ड्रॉप्स द पैकेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा पैकेट्स की बात की गई है, रूट अपडेट पैकेट्स की बात की गई है। जैसे हमने स्टार्ट में बात की, जैसे हमने स्टार्ट में बात की कि दीज आर यूज टू ट्रांसपोर्ट यूजर डेटा थ्रू द इंटरनेटवर्क। प्रोटोकॉल्स यूज टू सपोर्ट डेटा ट्रैफिक आर कॉल्ड राउटेड प्रोटोकॉल्स। IP and IP version 6 are key examples. Route update packets, these packets are used to update neighboring routers about the networks connected to all routers within the network. Protocols that send route update packets are called routing protocols. Example of such protocols are RIP, IRIP version 2, EIG, RIP and OSPF. Route update packets are used to help build and maintain routing टेबल्स। राउटिंग टेबल्स का कॉन्सेप्ट अभी इस लेक्चर में आगे जाके हम पढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक राउटिंग टेबल दिखाया गया है। स्टूडेंट्स, हमने बात की कि जो राउटर्स होते हैं वो आपके पाथ को डिटरमाइन करते हैं और उस बेस्ट पाथ को सेलेक्ट करते हैं। तो वो कैसे कर लेते हैं, दिस इज बेसिकली एक्चुअली थ्रू द राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल में कुछ इंफॉर्मेशन ये स्टोर कर रहा होता है, नाइबरिंग डिवाइसेस आपके कौन से हैं, कनेक्टेड डिवाइसेस कौन से हैं, कौन सा डिवाइस जो है वो रिमूव कर जाता है फ्रॉम द नेटवर्क। तो कुछ इंफॉर्मेशन होती है, नेटवर्क एड्रेस की बात की जाती है, मैट्रिक की बात की जाती है। माई व्हाट इज़ मैट्रिक, द डिस्टेंस टू द रिमोट नेटवर्क इज कॉल्ड मैट्रिक। डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज डिफरेंट वेज ऑफ कंप्यूटिंग दिस डिस्टेंस। सम राउटिंग प्रोटोकॉल्स लाइक द राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल आर RIP यूज होप काउंट which refers to the number of routers a packet passes through en route to a remote network. Other use bandwidth delay of the line or even tick count. So these are different methods to measure the metric information. While we talked about network address, protocols to specific network address, a router must maintain a routing table for individual routing protocols because each routed protocols keeps track of a network with a different addressing scheme. तो ये सारी चीज़ें थी। ओके, राउटर्स की हमने थोड़ी बहुत बात की थी स्टार्ट में, थोड़ा सा मज़ीद इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये नेटवर्क लेयर के ऊपर काम करती है। हमने बात की थी कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये ब्रॉडकास्ट या मल्टी कास्ट पैकेट्स को अलाव नहीं करता, इसके अलावा लॉजिकल एड्रेस आईपी एड्रेस को यूज़ करता है as a network layer header to determine the next hop router to forward the packet to. Router can use access list. ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप एक्सेस लिस्ट इसको लास्ट में चैप्टर नंबर 12 में हम पढ़ लेंगे, ठीक है। जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो इनको यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू अलाउ और डिनाई डिफरेंट पैकेट्स। आपने अगर किसी वेबसाइट्स वगैरह को ब्लॉक करना होता है, किसी सर्वर वगैरह को ब्लॉक करना होता है, तो यूजिंग दीज एक्सेस लिस्ट, तो आप उसको वहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं, अलाव या डिनाई कर सकते हैं, फिर
राउटर जो है वो उसको जैसे आपने अलाउ किया होता है तो अलाउ करता है, डिनाई किया होता है तो डिनाई कर देता है, ब्लॉक कर देता है. राउटर कैन प्रोवाइड लेयर टू ब्रिजिंग फंक्शन इफ नीडेड एंड कैन साइमल्टेनियसली राउट थ्रू द सेम इंटरफेस. लेयर थ्री डिवाइस राउटर इन दिस केस प्रोवाइड कनेक्शन बिटवीन वर्चुअल लैंस, वी लैंस को हमने चैप्टर नंबर वन में, सॉरी लेक्चर नंबर वन में क्रिएट किया था, वहाँ पे हमने राउटर यूज़ किया था. राउटर्स कैन प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ सर्विस फॉर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक. ठीक है यूज़र, यहाँ तक हमारा पार्ट 3 था. मिलते हैं ब्रेक के बाद पार्ट 4 में. थैंक यू.